आला तरीन फन वो है जो हमारी गैर फाल कुवते अरादी को बेदार करता है और हमें जिंदगी की आजमाइशों का मर्दानावार मुकाबला करने पर आमादा करता है। वो सब कुछ जो गनूदगी लाता है और हमारी हकीकत से आंखें बंद कर देता है, जिस पर अकेले जिंदगी का इनासार है, जवाल और मौत का पैगाम है। आजाद की मौत उसकी जिल्लत में है और आजाद की जिंदगी उसकी इज्जत में है। तबाही के खौफ से परिंदों को पीछे ना हटाएं और किसी तबाहकुन रास्ते की परवाह ना करें। वो गरीब है और उसकी दौलत लामुतनाही है, उसकी गुर्बत ने उसे हर हाथ से आजाद कर दिया है। फलसफियाना ख्यालात का इजहार यकदम बुलंद और दिलकश अंदाज में करें। आजाद की रूह राख को जिंदा करती है, सादक की सांस कौमों को जिंदा करती है। दुनिया में पहाड़ों में दरिया की तरह गुजरो और वहां की वादियों को जानो। लोगों के लिए मौत को समझना मुश्किल है और जिंदगी को समझना ज्यादा मुश्किल है। इनफरादियत अपने ही दुश्मन को घर में पनाह देती है। मेरी नजर में हर वो चीज जो गुजरती है और आती है उम्मीद की अब्दियत की झलक है। बुलंदी के लिए पैदा होने वाले बाज की तरह उठो और तन्हा ना रहो, बल्कि दूसरों के दरमियान मौजूद रहो। मैं अक्लमंदों से क्यों पूछूं मेरी इब्तदा कहां से हुई। मैं इस सोच में मसरूफ हूं कि मेरा अंजाम कहां होगा। इंसान बुनियादी तौर पर जज्बे और जबलत से चलता है। एक गलत तसव्वुर समझ को गुमराह करता है। एक गलत अमल पूरे इंसान को नीचा कर देता है और इंसानी अना की साख्त को मुनहदम कर सकता है। ये इंसान का बड़ा काम है कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद कायनात की गहरी अमंगों में शरीक हो और अपनी किस्मत के साथ साथ कायनात की तकदीर को भी बांट ले।